आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड क्रेजीज में। आपने फिल्म देखी है वो भी मिशन रानीगंज, अक्षय कुमार की फिल्म है फलते फलते, देखी है, कैसी लगी, क्या कहना है, क्या राय आपको? देखिए ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो रानीगंज में हुआ था 1989 में। एक IIT धनबाद के ऑफिसर थे जसवंत सिंह गिल, उन्होंने 65 लोगों को रेस्क्यू किया था कोल माइन से। तो मूवी बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही दिल दहलाने वाले सीन्स हैं मूवी में और कहीं भी कोई बनावट नहीं है, बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं, रिलेटेबल लगते हैं, बहुत इमोशनल सीन्स हैं, बहुत हार्ट रेंचिंग सीन्स हैं। मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है टीनू देसाई का, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है असीम देसाई की और एडिटिंग शार्प है। 2.25 घंटे की मूवी है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया। इसकी एडिटिंग भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल शार्प है आरिफ शेख की। तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। बहुत अच्छा लगा, जैसे मैंने कहा कहीं कोई बनावट नहीं है, कहीं कुछ ये नहीं है, तो बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मास एंटरटेनिंग तो नहीं है बट वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स रिव्यू से कामयाब होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की मूवीज़ बहुत कम है जो क्लाइमेक्स में आपकी आंखों में आंसू ले आएंगी, जो गूस बम्स देंगी। मुझे लगता है कि अक्षय कुमार ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हैं जो बड़े-बड़े एक्टर्स नहीं करते। आई थिंक ही इज अ वर्सेटाइल, वो कोई भी रोल दे दीजिए, ही डज अ वाइड रेंज ऑफ रोल और सोशल इश्यूज के ऊपर वो रोल्स करते हैं। तो इन दी एंड अगर उनका करियर ग्राफ देखेंगे तो बहुत सोशल इश्यूज के ऊपर उन्होंने काम किया है, वो काबिले तारीफ है। जो कोई टोल अगर करेगा कि भाई कलेक्शन ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, उनको क्या रहेगा मैसेज? फिल्म भी आई थिंक जैसे मैंने कहा वर्ड ऑफ माउथ क्रिटिक्स रिव्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इंपैक्टफुल, बहुत इफेक्टिव है अपना मैसेज कन्वे करने में कि आप गिव अप मत कीजिए, आप एकजुट होकर आइए और यूनिटी में कितना दम है वो दिखाया गया है मूवी में। ये बताइए सर, दीपेंद्र भट्टाचार्य जी थे, भट्टाचार्य थे, इसलिए वो कैसे थे, कुमुद मिश्रा थे, पवन मल्होत्रा थे, कुमुद मिश्रा, पवन मल्होत्रा, वीरेंद्र सक्सेना, जितने भी सीजनड एक्टर्स हैं एक से एक, दीपेंद्र, जैसे आपने कहा शिशिर शर्मा, अनंत महादेवन, सभी के रोल्स बहुत अच्छे हैं। परिणीति चोपड़ा का छोटा सा रोल है, शुरू में आई और एंड में आई, बट जितने भी सीजनड एक्टर्स हैं उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। कैरेक्टर्स ने फिल्म को और लिफ्ट अप किया है। डेफिनेटली सभी कैरेक्टर्स के उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इमोशनल सीन्स हैं और जिस तरह से अपने अपने रोल में, छोटे छोटे रोल में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, एक इम्पैक्ट छोड़ा है, दैट इज़ कमेंडेबल। अक्षय की तारीफ भी आपने की है, क्या लगता है फिल्म पब्लिक देखेगी और चलेगी फिल्म? वही द काइंड ऑफ रोल्स ही हैज़ डन, वाइड रेंज ऑफ रोल्स इन हिज करियर, तो कोई भी मुझे लगता है उन्होंने रोल छोड़ा नहीं है जो नहीं उन्होंने, मतलब ही हैज़ टेकन सो मेनी रिस्क्स ऑल्सो एंड स्टिल बाउंस्ड बैक। डेफिनेटली इट्स अ मस्ट वॉच, बहुत इंस्पिरेशनल है। मैं इसको दूंगा 4 stars, मुझे लगता है सिर्फ म्यूजिक और अच्छा हो सकता था क्योंकि इतनी इंस्पिरेशनल मूवी थी, बट आई विल गो विद 4 stars। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।